उली लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू स्पेशली डॉक्टर मोना एंड योर कम्युनिटी। आप सब की मैं बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया uh, कि मैं आप सब से बात कर सकूं। uh, मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर मोना करवा चुकी हैं uh, अलहमदुल्ला कुरान इज माई पैशन बट uh, मैं जो यंगस्टर्स के लिए तरबिया सेशंस लेती हूँ या लेडीज़ के लिए uh, उसमें कोर्स जो आपकी दुनियावी एजुकेशन होती है या आपकी स्पेशलिटी होती है उसका हमेशा एक मर्ज रहता है तो इस वजह से थोड़ा बहुत कहीं कहीं हो सकता है कि हमारा टॉपिक प्रॉफिटिक मॉडल मौ है ऑफ़ रेडिंग चाइल्ड ऑफ़ चिल्ड्रन बट उसमें आपको कहीं कहीं थोड़ा बहुत uh, जो है वो हो सकता है कोई साइकोलॉजी का एस्पेक्ट भी नजर आए बट ऑफ कोर्स उसके लिए हमारे डिफरेंट सेशन होते हैं आज जो हमारा टॉपिक है हम कोशिश करेंगे कि हम कुरान एंड सुन्ना के थ्रू ही इसको समझने की कोशिश करें अब मिन शेतवान बसमान मॉडल ऑफ रेरिंग चाइल्ड Uh, सबसे पहले इसमें हम क़ुरान की सुरः कहफ की एक आयत देखते हैं आय नंबर फोर्टी सिक्स अल्लाह सुबहाना उला कुरान में कहते हैं अलमाल वल बनून जीनत हयात दुनिया द वेल्थ एंड द चिल्ड्रन आर देंट ब्यूटी ऑफ द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड यानी माल और औलाद जो है वो जीनत है वो ब्यूटी है इस दुनिया की जिंदगी की आप देखें कि इवन द नॉन मुस्लिम जो कि अल्लाह को यकीन अल्लाह पे यकीन नहीं करते ईमान नहीं लाते वो भी इस नेमत को जो है वो या अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है या खुशी जो है अल्टीमेट वो औलाद और माल से ही हासिल करते हैं माल में आप देखें हमारे बहुत सारे पैसों के अलावा रिसोर्सेज और नेमतें भी आती हैं तो वो इससे अपनी लाइफ को इंजॉयल बनाते हैं आजकल तो सोशल सोशल मीडिया का दौर है आप देखते होंगे कि लोग मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं विजिट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं डिफरेंट फूड ट्राई कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें उस उनके माल में होती हैं या आप उन्हें कह रहे हैं कि ये उनके लिए जीनातुल हयात दुनिया है यानी दुनिया की ब्यूटी है इंजॉयमेंट है, है वो इसी से मैं थोड़ा सा बस आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी कि मैं आपकी स्लाइड uh, शेयर कर दू या वो आप खुद करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कमिंग बैक टू द टॉपिक तो ये अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो इसी से हासिल करते हैं एक माल और एक चिल्ड्रन एक उनकी वेल्थ और उनके चिल्ड्रन यानी उनके बच्चे उनकी औलाद वो इनसे खुश होते हैं और इनको इनके साथ मिलके के इंजॉयमेंट करते हैं या ये इनका सोर्स होते हैं ऑफ़ इंजॉयमेंट कुरान में अल्लाह सुबहाना तैाल हमें एक चीज़ बताते हैं या हमें एक दुआ सिखाते हैं और होपफुली आप सब ये दुआ अपनी दुआ में मांगते भी होंगे लेकिन आज इस दुआ को हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे एक इंशाल्लाह डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन व लिल मुत्तकीन इमामा अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे हैं कि हम अल्लाह से ही ये दुआ मांगे कि ओ आवर लॉर्ड ग्रांट अन अस वाइफ्स एंड चिल्ड्रन हु विल बी द कंफर्ट ऑफ आवर आईज एंड गिव अस द ग्रेस टू लीड द राइटियस यानी ए ला ए हमारे रब हबला ना हमें अता कर हमारे जौज में जौज जो है वो पाउस के लिए वर्ड होता है आ, बीवी के लिए शोहर और शोहर के लिए बीवी उनमें और हमारी औलादों में आंखों की ठंडक कूलनेस ऑफ अर आइज वॉज और बना हमें लिल्मतकी न इमामा जो नेक लोग हैं हमें उनका लीडर बना आप गौर करें कि ये जो दुआ है ये स्टार टोरिया रॉब बना हबला ना हब का जो अरबीक में वर्ड है वो बेसिकली हिबा जो है उससे निकला और हिबा होता है बेसिकली गिफ्ट तो आप गौर करें कि अक्सर कुरान में जब औलाद के लिए दुआएं मांगी गई हैं मुख्तलिफ़ पैगंबरों ने तो वो इसमें यही दुआ मांगते हैं रबी हबली मिनिन वहाँ भी वो इसको अल्लाह ताला को हिबा करने को कह रहे हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो औलाद है वो अल्लाह तरफ से एक गिफ्ट है वो जो बच्चे हैं वो हमारे लिए अल्लाह तला का तोहफा है गिफ्ट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो क्या चीज़ रिक्वायर करते हैं और जब कोई हमें एक अच्छा गिफ्ट मिल जाए फॉर एग्जाम्पल खुवान जो हैं गर्ल्स या फीमेल हैं उनके लिए वो अपने आप को रिलेट कर सकती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में होता है कपड़ों में बैग्स में जूतों में ज्वेलरी में इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट होता है अगर कोई मेल सुन रहे हैं तो डेफिनेटली उनका हो सकता है इंटरेस्ट किसी कार में हो या इवन घर में भी कुछ मेल्स का इंटरेस्ट होता है या इवन अपनी इन्वेस्टमेंट्स में हो पैसों में हो किसी भी चीज में हो तो अगर आपको कोई बहुत प्रेशियस गिफ्ट दे तो उसके बाद हमारा यूजली क्या रिएक्शन होता है कि हम उस चीज़ की केयर करते हैं ऐसा तो नहीं होता ना कि हमें कोई बहुत प्रेशियस है हमारा फेवरेट फॉर एग्जाम्पल हमें कोई बहुत एक्सपेंसिव सेट ही दे दे या हमें कोई गाड़ी गिफ्ट दे दे तो बस अब जो मौसम है जैसा हम उसको बाहर खड़ा रहने दे और उस पर जो भी मौसमी असरात हैं सीजनल उसके ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं या हर तरह की उसके ऊपर गर्दो वो आ रही है हम ऐसा नहीं करते हम उस चीज की केयर करते हैं तो ये जो बच्चे हैं ना ये जो गिफ्ट ऑफ चिल्ड्रन है ये रिक्वायर्स आर केयर हेल्प प्रोटेक्शन एंड गार्डियनशिप ये बच्चे ऐसी नेमत हैं कि जिनको हमारी केयर हेल्प प्रोटेक्शन और गार्डियनशिप चाहिए ही चाहिए इसके साथ साथ आप देखें कि इतना खूबसूरत तोहफा है इस तोहफे को हम फील करें एज अ गिफ्ट कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोग होंगे आपको पता होगा बहुत सारी खातिन हैं जो अपने बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स भी करवाती हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं होती उनके बच्चे नहीं होते और वो इस चीज़ को तरसते हैं सालों के हमारे बच्चे हो जाएं, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक आजमाइश होती है कि अल्लाह उनको औलाद नहीं देता अक्सर पेरेंट्स के पास जब बच्चे नहीं होते तो वो उसको बहुत वैल्यू कार्य होते हैं लेकिन जब औलाद मिल जाती है अल्लाह ताला ये हिबा कर देते हैं ये गिफ्ट दे देते हैं तो फिर अक्सर लोग आ, कुछ लोग आई एम सॉरी टू से दैट बट हम इस तरह के जुमले कुछ लोग बोल देते हैं कि ये क्या मुसीबत है या ये बच्चे बहुत तंग करते हैं या बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली देखें जो औलाद है ये गिफ्ट भी है लेकिन इसके साथ साथ इट्स अ ट्रायल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल ये हमारे लिए आजमाइश भी है और एक जिम्मेदारी भी है हदीस में इसके लिए आता है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कुल्लू को मसूल वकुल्लु कुम मसूल है हर एक से तुम में से सवाल किया जाएगा किसके बारे में ही उसकी रियायत के बारे में कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एवरी वन ऑफ यू इज अ तुम में से हर कोई जो है वो एक शेपर्ड की तरह एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फ्लॉक और वो अपना जो उसका फ्लॉक है उसका रेवड़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है द लीडर ऑफ पीपल इज अ गार्डियन एंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी जो उसके लोग हैं वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि लीडर है वो अपनी आवाम के लिए अल्लाह के आगे जवाब दे है वो उनका रिस्पॉन्सिबल है वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी अथॉरिटी uh, में जो मर्जी करूँ वो अल्लाह के आगे जवाब दे है अ मैन इज गार्डियन ऑफ हिस्स फैमिली एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम एक आदमी जो है एक मर्द जो है वो अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो अल्लाह के आगे उसका जवाबदेह है वो उनका गार्डियन है अ विमेन इज अ गार्डियन ऑफ हर हसबेंड्स होम एंड हिज चिल्ड्रन ये हदीस का वो हिस्सा है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आप देखेंगे कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अपने पेरेंट्स से ये चीज हमें सिखाई भी जाती है और समझाई भी जाती है कि गर्ल्स या विमेन जो है दे आर द गार्डियंस ऑफ देयर हस्बैंड्स होम एंड देयर चिल्ड्रन लेकिन आहिस्ता आहस्ता हमारा जो बेसिक यूनिट है उसको पल्यूट किया जा रहा है और ये हमारे जहनों में ये चीज डाली जा रही है कि नहीं हस्बैंड का जो घर है या उसके जो बच्चे हैं वो खाली मेरी जिम्मेदारी नहीं है या फिर इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जबकि हदीस में ये बिल्कुल क्लियर अल्फाज है कि वह हस्बैंड का घर और उसके बच्चे औरत उनकी गार्डियन है एंड शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अल्लाह के आगे उसके लिए जवाबदेह है उसकी अपनी मर्जी के वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे रिफ्यूज करती है या वो नहीं लेती ये उसका अपना अमल है लेकिन अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है द सर्वेंट ऑफ अ मैन इज अ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हिज मास्टर जो uh, मुलाजिम है या कोई सर्वेंट है या एम्प्लॉय है कहीं भी किसी प्रॉपर्टी का काम करने वाला किसी भी चीज का तो वो वहां की प्रॉपर्टी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यानी जो उसका मालिक है उसकी जो भी चीजें वो उनके लिए उसका जिम्मेदार है जैसे फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं हो सकता कि घर के सर्वेंट्स हो इसके अंदर कहीं ऑफिस है कोई जॉब है आप कहीं काम करते हैं वो भी वहां की भी जो चीजें हैं उनके लिए भी आप उनके गार्डियन हैं एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नो डाउट एवरी वन ऑफ यू इज अ शेपर्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फ्लॉक तो में से हर कोई निगरान है और वो अपनी जो फ्लॉक है उस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसका गार्डियन है ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है तो इसका मतलब ये है इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुबहाना तला फॉर आवर चिल्ड्रन अल्लाह ने अगर हमें नेमत दी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस ब्लेसिंग के साथ हम जो मर्जी सलूक करें हम बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझ के जैसा मर्जी सलूक करना शुरू कर दें अल्लाह ताला ने हमें इनका गार्डियन और रिस्पॉन्सिबल बनाया है और उसके बदले में अल्लाह ताला हमसे हमारी पूछ होगी तो इसलिए बीइंग फादर या बीइंग मदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि बीइंग मुस्लिम मदर एंड फादर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है और वो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रोल ऑफ अ पेरेंट या एज अ बिलीवर उसका इफेक्ट हमारी हर चीज के ऊपर पड़ता है हमारी दुनिया पर हमारी आखिरत पर और होल उम्मा पर अब आप देखेंगे कि बच्चों की जो जिम्मेदारी है उसका असर हमारी आखिरत पे कैसे पड़ता है बच्चे हमारे हैं उनके अपने एक्शन है हम ठीक है उनकी, उनकी तरबियत हमारी जिम्मेदारी है लेकिन वो हम हमारी आखिरत से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में सही मुस्लिम की हम एक हदीस देखते हैं अन अभी हुररत रसूल सल्ह वसलम कौल इदा मतल इंसान हूँ जब इंसान माता का वर्ड आपने उर्दू में भी सुना होगा कि जब इंसान को मौत आती है या इंसान फौत हो जाता है इन आपने अक्सर उर्दू में भी वर्ड सुना होगा कि डिसकनेक्ट हो जाता है खत्म हो जाता है अनहू उससे अमल हूँ उसका अमल ये हदीस से हमें पता चलता है कि जब इंसान फौत होता है तो दुनिया के लिहाज से उसके जो भी उसका कनेक्शन होता है दुनियावी या उसके अमाल होते हैं वो उससे डिसकनेक्ट हो जाते हैं उससे उनका कनेक्शन खत्म हो जाता है लेकिन एक आप देखिए मुसलमानों के लिए कितनी खूबसूरत होप है इल्ला एक्सेप्ट मिन सलास तीन चीजों के इल्ला मिन सदाकिन सदाकतिन जारिया एक जो ऑन गोइंग चैरिटी है सदका जारिया के काम है औ इल्म यनफाउ या फिर वो बेनिफिशियल नॉलेज है यानी फायदेमंद इल्म है जिससे लोग फायदा उठाते हैं औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू अ राइटियस चाइल्ड हु प्रेज फॉर हिम और नेक औलाद जो अपने वालदान के लिए दुआ करती है ये सही मुस्लिम की हदीस है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चों की अच्छी तरबियत या परवरिश करना हमें सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में भी फायदा देगा और इसका इफेक्ट हमारे मरने के बाद भी होगा आज अल्हम्दुलिल्लाह जो जो पेरेंट्स हैं जिनको अल्लाह तला ने ये हिबा किया है जिनको ये गिफ्ट दिया है हम सब इस चीज़ को महसूस करके देखें कि हमारे मरने के बाद ये बच्चे अगर हमारे लिए हमने ऐसी तरबियत की है कि ये बच्चे हमारे लिए दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो आप देखें कि ये दुआ जो है वो हमें पहुंचेगी और इस दुआ का आखिरत में या कबर में भी हमें हमारा दर्जा बुलंद होगा और इन वो हमें हमें फायदा देगी अब अगर हम दुनिया के लिहाज से देखें दीन के लिहाज से तो हमने देख लिया कि इंसान के लिए औलाद सदका जारिया बनती है और फौत होने के बाद भी उसको फायदा देती है दुनिया के लिहाज से क्या होता है कि दुनिया के लिहाज से आप ये देखें कि जो बच्चे हैं अब्दुल्ला बिन उमर की एक हदीस है यहाँ पे मैं वो कोट करना चाहूँगी कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वसल्लम सेड इट इज अनाफ सिन फॉर अ मैन टू विदहोल्ड फ्रॉम द फ्रॉम दोज डिपेंडेंट अपॉन हिम ये भी सही मुस्लिम की हदीस है कि आदमी के लिए ये गुनाह काफ़ी है कि जो उसके डिपेंडेंट्स हैं जैसे उसकी औलाद है वो उनसे गाफिल हो जाए निगलैक्ट हो जाए आजकल नेग्लिजेंस कैसे हो सकती है फॉर एग्जाम्पल आप कहें नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ वेरी माशाल्लाह केयरफुल मदर मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ मैं अपने बच्चों के अराउंड रहती हूँ मैं तो उनको हर जगह ड्रॉप करती हूँ मैं उन्हें टाइम पे खाना देती हूँ आई ट्राई टू फुलफिल देयर नीड्स लेकिन हम देखें कि नेग्लिजेंस किसी भी सेंस में नेग्लिजेंस हो सकती है उनकी हमें सिर्फ फिजिकल बच्चों की हमें पता है कि खाली हमें फिजिकल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती बल्कि उनकी फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स को भी हमने मीट करना है तो इसलिए उनकी तरफ से जो नेग्लिजेंस है उनकी तरफ से लापरवाही है वो जो है वो इंसान के लिए एक बड़ा गुना है यानी अनाफ इंसान के लिए गुना करने के लिए ये चीज काफ़ी है कि वो उनसे नेगलेक्ट उनसे नेग्लिजेंस पढ़ते तो इसलिए इस, इस चीज में हमें केयरफुल होने की जरूरत है दूसरी चीज क्या है कि जो राइचियस चाइल्ड है उसको क्या कहा गया है जो एक नेक औलाद है या नेक बच्चा है उसको भी कहा गया यानी वो आंखों की ठंडक है कि अला जब हम दुआ मांग रहे हैं हम कह रहे हैं अला हमारी औलादों में और हमारे जौज में हमें आंखों की ठंडक देना तो आप देखें अरब जो है ये फ्रेज यूज करते थे स्टिलनेस कामनेस के लिए जब आप सुकून में आ जाए तो कुर्रता आजुन का मतलब ये कि आपको उससे रिलीफ मिले सेंस ऑफ रिलीफ हो यानी आपको सुकून मिले अगर किसी का बच्चा खुदा ना खास्ता रॉन्ग पाथ पे निकल जाए किसी गलत रास्ते की तरफ निकल जाए तो आप उस पेरेंट को देखें क्या वो सुकून से बैठेगा वो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा उसकी दिन रात की नींद खराब हो जाएगी उसका चैन खत्म हो जाएगा और वो कंटिन्यूअसली यही सोचता रहेगा कि मैं अपने बच्चे को राइट ट्रैक के ऊपर कैसे लेके आऊँ वो अपने मुताबिक जो उसकी सोच समझ है वो किसी से कभी हेल्प ले रहा होगा कभी वो उसके लिए दुआएं मांग रहा होगा कभी वो मुख्तलिफ तरीके आजमा रहा होगा अपने बच्चों से बेहतर उनको ट्रैक पे लाने के लिए तो इससे बड़ी और क्या नेमत हो सकती है और रिलीफ और जॉय और कंटेंटमेंट क्या हो सकती है कि इंसान को अपनी औलाद से आंखों की ठंडक मिल जाए तो अल्लाह ताली हमारे जोज को हमारे अजवाज को और हमारी औलादों को अल्लाह तला हमारी आंखों की ठंडक बनाए उसके बाद ये कैसे इफेक्ट करता है हमारी जो औलाद की तरबियत है या परवरिश है वो हमारे आखरत भी इफ़ेक्ट करती है हमारी दुनिया भी इफेक्ट करती है और सिर्फ हमारी दुनिया और आखिरत इफेक्ट नहीं करती बल्कि इंटायर कम्युनिटी और उम्मा को वो इफेक्ट करती है अब हम सब हैरान हो रहे होंगे कि ये उम्मा को या इंटायर कम्युनिटी को कैसे इफेक्ट करती है तो हम सब ये जानते हैं कि पूरी जो हिस्ट्री है फ़ैरों की या फिर की अगर आप देख लें वो चेंज हो गई थी एक कमांडमेंट से वो शुरू होती है होल इंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज हो जाता है जहां अल्लाह ताला मूसा की माँ को कमांडमेंट देते हैं कुरान के अंदर सूरह कसस आयत नंबर सेवन में वा इला मूसा अन अर्दी यानी अल्लाह ताला अन तरद यानी वी इंस्पायर्ड द मूसा मदर या मदर ऑफ मूसा हिम यहां से बात शुरू होती है कमांडमेंट शुरू होती है कि एक बच्चे की परवरिश स्टार्ट करें द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्म द दायर उमा वॉज टू टेल अ मदर टू रेज हर चाइल्ड राइचियस मदर आप देख लें कि लीड्स टू राइज अ चाइल्ड लाइक मूसा सलाम जो कि एक लीडर है जिन्होंने क्या किया हु कैन चेंज द इंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर द एंटायर नेशन तो आप देखें सारा उन्होंने कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज कर दिया मूसा सलाम ने तो शुरू कहां से बात हो रही है कि एक बच्चे को नरिशमेंट से बच्चे की नरिशमेंट से उसकी परवरिश से बात शुरू हो रही है उनको दूध पिलाने से भी शुरू हो रही है इसको भी इन शाह तला अगर कभी वक्त हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग है उसका इफेक्ट बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसे पड़ता है बहुत ज्यादा बच्चों के लिए यूजफुल होता है फायदेमंद होता है कि बच्चों को जो मदर्स जो है वो अपना फीड करवाती हैं यहाँ से बात स्टार्ट होती है और उसके बाद जो है उनकी परवरिश है उनकी देखभाल है एक बच्चे की जो अच्छी तरबियत है यहाँ से जब स्टार्ट होती है तो उसके बाद आप देखें अच्छा घर बनता है और अच्छे घर से आपकी जो पूरी कम्युनिटी है वो इफेक्ट होती है उसके बाद पूरी जो बनी इसराइल की तारीख है आप देखें वो मूसा सलाम से चेंज हो जाती है अब हम जो है वो चंद पॉइंट्स देखेंगे कि प्रॉफिटिक मॉडल के मुताबिक हम रसूल अलहम ला की लाइफ में जरूरी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाउ हीज ट्रीटेड इज ओन चिल्ड्रन बल्कि चिल्ड्रन अराउंड द प्रॉफिट जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु सल वसल्लम के अराउंड चिल्ड्रन थे या सहाबा कराम थे या जो यंग कम्पेनियंस थे उनके साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बिहेवियर था या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया कि बच्चों की तरबियत या परवरिश कैसे करनी है या उनके साथ कैसे मामला करना है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना वो कंपैशन है कंपैशन का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आए यानी लव और इफ़ेक्शन को अपने शो करें आप देखें कि फातिमा रदी अल्लाह के बारे में आता है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माथे पर प्यार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए उठ के खड़े हो जाते थे तो वो जो उनका इम्पैक्ट था और ये बात नहीं है कि रसुलल एज अ डॉटर उनको डिसिप्लिन नहीं करते होंगे डेफिनेटली वो उनको डिसिप्लिन भी करते होंगे लेकिन एवरी डे एवरी डे जब आप एक बच्चे को प्यार करें और हमें ये लगता है कि अच्छा इससे बच्चा स्पॉल हो जाएगा तो आप देखें ये रसुलला की हैबिट थी कि वो डेली फातमा रजी अल्लाह के फोर हेड पे प्यार करते थे तो ये एक रिलेशनशिप फादर और डॉटर का नजर आता है और एज अ चाइल्ड आप देखें हम हमेशा से इस तरह से देख रहे होते हैं अपने परस्पेक्टिव से कि मैं बच्चे को प्यार करूं इससे बच्चे के मेरे दिल में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी बच्चे को एक हक करना एक किस करना एक प्यार करना अपने गले से लगाना आप देखें उसकी पूरी होल खाली बॉडी के ऊपर फिजिकल इफेक्ट्स नहीं डाल रहा बल्कि उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी हो रही है उसके इमोशंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं और वो उसको मेंटली भी स्ट्रोंग कर रहा है तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो बच्चों के साथ हमारा पहला रिलेशनशिप जो बिल्ड है वो कंपैशन के ऊपर हो हदीस में आता है कि अनस बिन मालिक रिपोर्टेड आई द मिसेंजर ऑफ अल्लाह सही मुस्लिम की हदीस है कि अब अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल सलम से ज्यादा या मर्सीफुल कोई नहीं देखा जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे यानी उनकी औलाद भी हो सकती है और जो लोग उनकी वाइफ भी हो सकती हैं और जितने लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट थे वो सबसे ज्यादा उनके लिए मर्सीफुल थे एक बद्दू ने रसूल सलम को एक दफ़ा प्यार करते देखा हसन रजी अल्लाह को तो वो वाल उनके पास से गुजरे और उन्होंने कहा कि मेरे तो दस बच्चे हैं और मैंने तो कभी इस तरह उठा के उनको गोद में बिठा के और इस तरह से प्यार नहीं किया तो रसूल सल वसलम ने कहा कि मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हारे दिल से मर्सी ले ली है यानी रहम अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल से निकाल दिया यह हदीस का मफहूम है तो इसलिए आप देखें कि इस कॉन्टेक्स में अगर हम देखें तो बच्चों को फिजिकल टच और प्यार करना भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी आप सिर्फ शुरू में हम प्यार की बात करेंगे इनशाला हम आगे डिसिप्लिन की भी बात करेंगे तो कोई ये ना समझे कि हम सिर्फ और सिर्फ लव की ही बात करेंगे लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स में कर रहे हैं कि बच्चों के लिए उनको फिजिकल टच उनको प्यार से हक करना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है अक्सर आप देखें कि जो ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड किस्म के रिलेशनशिप होते हैं बच्चों के साथ और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अप्रोच लोग अपनाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं आ, हम बैलेंस्ड हैं यानी हम लव भी करते हैं और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी एक तरफ करते हैं तो ये एक रिसर्च हुई थी एक साइकोलॉजिकल रिसर्च थी फुली ग्रोन अडल्ट के साथ मैरिड कपल्स के साथ थी यानी आप इमेजिन करें कोई मैरिड अडल्ट होकर ही होता है तो इतने बड़े लोगों के साथ ये साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई थी और वो रिसर्च ये शो करती है कि जो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं, उनका फाइव टाइम्स मोर वो इम्पैक्टफुल होती हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस से यानी वो पांच गुना उनका इफेक्ट जो है इंसान की पर्सनैलिटी पे ज्यादा होता है तो नेगेटिव बातें नेगेटिव जुमले इवन नेगेटिव लुक्स ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर या बच्चों की जो चाइल्ड डेवलपमेंट हो रही होती है उसके ऊपर होता है हसन बिन जैद के बारे में आता है कि उनके साथ साथ एक सहाबी थे वो फरमाते मैं उनके साथ साथ के घर में पैदा हुआ और सॉरी घर में मैंने परवरिश पाई और मैं उनके साथ साथ रहता था तो रसुल्ला हमें प्यार करते गले लगाते और हमें अपनी थाईस के ऊपर जो है वो बिठा लेते थे यानी इतना मोहब्बत जो है ना वो अपनी शो करते थे अब आप इसमें देखें कि हमें क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम रसूल रसुल्ला वसलम की अगर कंपनी को देखें तो रसुल्ला सल वम कम्पैशन के साथ साथ जो है वो एप्रिसिएशन भी देते थे और अप्रिसिएशन जो है आपको पता है कि वो सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करती है यानी जब आप किसी की तारीफ करते हैं बहुत ज्यादा क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा हम बच्चों की बहुत ज्यादा तारीफें करेंगे तो ये तो सर पर चढ़ जाएंगे तो ऐसी बात नहीं है हज़रत अबू बकर बकरों को उमर रदी अल्लाह को अब अली बिन तालिब रजी अल्लाह को इसी तरह मुख्तलिफ सहाबा को वसल्लम मुख्तलिफ टाइम पे प्रेज़ करते थे मुख्तलिफ़ टाइम पे उनकी तारीफ करते थे हसान बिन साबित रसुल्लम के हक हाँ में जब शायरी कर रहे थे पोटरी कर रहे थे तो रसुल्ला ने उन्हें दुआ दी थी यानी उनको इनक्रेजमेंट दी थी तो ये जो पॉजिटिव इनक्रेजमेंट होती है ना कि यस यू कैन डू इट और उनकी तारीफ कर देना कि अच्छा ठीक है तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है तो उससे बच्चों की सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव होती है अच्छा बींग मदर अब मैं थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिकल मिसाल हम थोड़ी सी अगर डिस्कस करना चाहें तो हम ये देखते हैं कि कई दफ़ा फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चों के कोई काम कहा है और वो बच्चों ने काम कर लिया है फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चों को दो काम कहे थे कि ये दो काम फॉर एग्जाम्पल आपने खुद से करने हैं उनमें से बच्चों ने कोई एक काम किया और एक काम नहीं किया हमारी पहली नजर उस काम पे जाती है जो बच्चों ने काम नहीं किया या जो गलत हुआ और हम कई दफा पहले उस पर उन बच्चों को डांट देते हैं या नाराज हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है तुमने साथ ये भी अच्छा काम किया या आपने ये अच्छा काम भी किया लेकिन उसके साथ साथ आपने ये काम जो है ना वो बहुत बुरा किया तो पहले जो है ना वो हम अप्रीशिएट नहीं करते उसके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि हम उन बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि माशाल्लाह आपने ये काम बहुत अच्छा किया है दैट वेरी गुड सो नाइस ऑफ यू और उसकी तारीफ के साथ साथ आप कह सकते हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू दिस और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूं कि अब आप ये भी कर लेंगे बिकॉज यू कैन डू इट तो इसलिए ये हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं वो बच्चों की सेल्फ स्टीम को बूस्ट करती हैं दूसरी चीज इसमें आती है कि हम बच्चों के लिए दुआ मांगे हम ये समझ होते हैं कि मैं जो खप रही हूँ मैं तरबियत कर रही हूँ अनाफ एक चीज हमारे हाथ में है और उसके बाद मामला अल्लाह के हाथ में है आप पैगम्बरों की मुख्तलिफ जगहों पे कुरान में इतनी दुआएं आप देखेंगे कि जो वह अपनी औलाद के लिए मांगते हैं जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है हुन दुआ जकरिया जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी क्या दुआ मांगी

अपनी औलाद के लिए अगर औलाद नमाज कायम नहीं करी तो उनके लिए दुआ कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे यानी वो उस नमाज को उनकी लाइफ में वो नमाज जो है ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मेरी औलाद नमाज पढ़ने वाली हो नमाज़ पढ़ने और कायम करने में जो है वो बहुत फर्क होता है तो आप देखें कि वो औलाद के लिए ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तला मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे यानी वो सिर्फ खाली मेरे लिए जो वर्डिंग्स हैं उनके साथ नमाज पे फोकस करने वाला नहीं हो बल्कि नमाज उनके लिए इम्पैक्टफुल हो आप देखिए हम अक्सर बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है नमाज से इंसान बुरे कामों से दूर रहता है लेकिन हम सोचते हैं कि हम तो बेहयाई और बुराई से नहीं रुकते जब हम नमाज पढ़ते हैं या हमारी औलाद भी नहीं रुकती तो वो उसकी वजह यही होती है कि हमने नमाज कायम नहीं की नमाज कायम करने का मतलब ये कि वी आर इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड अल्लाह सुबहाना उतारा वो अब लंबी हदीस हो जाएगी मैं उसका एक छोटा सा पार्ट आपको बता देती हूँ जो ज़ि हदीसे जबरील जिसे कहते हैं जिसके अंदर आता है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहे है। तो ये नमाज का दर्जा हम हमें हम कॉन्शियस हों कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं अगर ये नहीं कर सकते कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ तो कम से कम इतना ये कर लो कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं यानी ये अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप नमाज में बिल्ड करने की वो दुआ मांग रहे हैं और अपनी औलाद के लिए भी यही दुआ मांग रही है और उसके बाद एक और दुआ जो कि हम अभी डिस्कस करें कि वल्लज़ीना यकूलूना रब्बना मिन अज़वाजिना अयुन वीना इमामा और उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ कि अल्लाह ताला मुझे भी इनके लिए एग्जाम्पल बनाना फिर उसके बाद अगली चीज़ जो है वो आती है मैनर्स के ऊपर है कि हमने क्या औलाद को सिर्फ प्यार मोहब्बत करना है हमने औलाद के लिए सिर्फ दुआएं ही मांगनी है या फिर हमने क्या चीज़ करनी है हमने बच्चों के लिए कोई मैनर्स भी सेट करने उनको डिसिप्लिन भी करना है या नहीं करना तो उसके लिए जो है वो जरूरी है कुरान में अल्लाह सुबाना फरमाते हैं या आमनु व यादीना नारो के ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ यानी खाली ये नहीं है कि आप प्यार मोहब्बत करते रहे और दुआएं करें अब ये प्रैक्टिकल बातें अब हम करने लगे हैं कि प्रैक्टिकली अब हमने उनको बचाने की कोशिश भी करनी है स्पेसिफिक अचीवेबल स्टेप्स भी लेने हैं उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर भी करना है उनके लिए उनके साथ कोई एफर्ट भी करनी है अब मैनर्स सिखाने में अफकोर्स सारे एफर्ट लगती है अब आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल हमने किसी बच्चे को कुछ नहीं मैनर्स सिखाने कोई डिसिप्लिन नहीं करना तो कितना आसान हो गया ना बच्चे पालना फिर तो कहीं कोई अल्लाह माफ करे वो जो जैसे मुगली और उस तरह की मूवीज थी कि बच्चे जंगलों में पल गए सब कुछ हो गया वैसे तो कोई भी तरबियत हो जाएगी और पेरेंटिंग के ऊपर अगर हम केयरलेस हैं और हम उसकी फिक्र ही नहीं कर रहे कि बस ठीक है सारी दुनिया के भी तो बच्चे पल जाते हैं या हम भी तो छोटे थे हम भी तो पल गए हम भी तो नहीं बिगड़े अक्सर पेरेंट्स को आजकल मैंने ये भी कहते हुए सुना है तो आप देखें कि वो भी इंशाल्लाह तला हम डिस्कस करेंगे कि हमारे दौर में वो चैलेंजेस नहीं थे जो आज के दौर में वो इंशाल्लाह तला आगे भी हम डिस्कस करेंगे हदीस में आता है

उनके आदाब को संवारो या निखारो तो आप देखें कि उनको आदाब सिखाने या उनको डिसिप्लिन करने से पहले रसुल्ला ने हमने क्या बताया कि अक्रीमो इकराम जो है वो अरबिक में काइंडनेस के लिए भी है और उनको ऑनर करने के लिए भी है यानी बच्चों को बच्चों की रिस्पेक्ट भी करें बच्चों को ऑनर भी करें और उसके बाद बच्चों की फीलिंग्स की बच्चों के इमोशंस की, की केयर भी होनी चाहिए उसके बाद जब आपका कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर आपका बच्चों के साथ स्ट्रोंग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद मैनर्स सिखाने आसान हो जाएंगे हमारे लिए क्या चीज होती है यूजली हम पहले डिसिप्लिन की तरफ होते हैं घर के अंदर रूल नंबर वन रूल नंबर टू रूल नंबर थ्री घर में ये 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 करना है आपने स्कूल से आना है आपने इधर यूनिफॉर्म रखना है इतने बजे खाना खाना है इतने बजे उठना है और वी आर सो हैप्पी मदर्स क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो सारी डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसमें हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमने बच्चों की फीलिंग्स को बच्चे जीते जागते इंसान हैं दे आर नॉट रोबोट्स जिनके रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में और हमने बटन प्रेस किया और हमारे बच्चे रोबोटिक तरीके से चल पड़े और अगर वो जरा से इधर उधर हुए तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और हम बच्चों को भी डांट रहे हैं तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है मैनर्स सिखाने के लिए पहले अच्छा रिलेशनशिप बिल्ट हो अगर रिलेशनशिप अच्छा बिल्ट हो जाएगा ना तो फिर आप देखिए मैनर्स सिखाना और डिसिप्लिन करना भी आसान हो जाएगा एक बड़ी ही इसके बारे में एक अच्छी बात है कि योर चिल्ड्रन विल फॉलो विद योर आईज मोर देन दे विल फॉलो यू फ्रॉम देयर देयर ईयर्स कि बच्चे जो है आप ये देखें कि हमें सबसे ज्यादा किस चीज से फॉलो करते हैं हमें आंखों से कार्य रहे होते हैं या हमारे कानों से क्योंकि जब हम रूल सिखा रहे होते हैं ना तो हम मुसलसल बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो बच्चों के वो कान सुन रहे होते हैं लेकिन बच्चों की आंखें अगर कुछ और देख रही है ना एज अ पेरेंट वो आपको एज अ डिसिप्लिन पेरेंट नहीं देख रहे कि खुद माँ आराम से एक घंटे से दो घंटे से काउच के ऊपर लेटी हुई एंड शी इज यूजिंग हर मोबाइल फोन ये नहीं मैं कह रही कि इट्स बैड थिंग ये आपको कर नहीं सकते आप बट अगर वो ये चीज़ देख रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ हुक्म चला रही है या इंस्ट्रक्शन दे रही है तो उनकी आंखें वो चीज ज्यादा परसीव कर रही है इंस्टेड ऑफ देयर ईयर्स जो वो आंखों से अपनी माँ को एज अ रोल मॉडल देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम औलाद के लिए दुआ मांगते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने हमें कि अल्लाह मुझे इस बात की मुझे तौफीक दे कि मैं आपका शुक्र करूँ जो नेमतें आपने मुझे दी और मेरे वालिदैन को दी और मैं वो अमल करूं जिससे आप राजी हो जाएं आप देखिए इसमें पूरी दुआ में अल्लाह ताला हमारी तरबियत करें कि हमने अपनी नेमतों पे और अपने वालदेन की नेमतों पे शुक्र करना है और फिर उसके बाद अमल की बात हो रही है यानी मैं वो अमल करूं अल्लाह ताला जिससे आप राजी हो जाएं और उसके बाद हम अपनी औलाद की असलाह की दुआ मांग रहे हैं तो इसलिए औलाद की असलाह के लिए जरूरी है कि हम उनके लिए एक अच्छे रोल मॉडल भी बने क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमें अपनी आंखों से देख रहे हैं अच्छे रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चे खुद ब खुद जो है वो हमें इन फॉलो करेंगे रोल मॉडलिंग जो है आपको पता है साइकोलॉजी में एक पूरा टॉपिक होता है कि बच्चे किस तरीके से और इवन बड़े रोल मॉडलिंग सीखते हैं अब बड़ों की मिसाल में आपको ऐसे दे सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल आपके घर कोई गेस्ट आया या आप टीवी पे या इंस्टा पे किसी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं या किसी के अनकॉन्शियसली किसी से इंस्पायर्ड है या आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है किसी से आप वो मेहमान आपके घर दो चार दिन रह के जाए आपको पता ही नहीं चलता कि अनकॉन्शियसली आप उसकी कोई हैबिट पिक कर लेते हैं आप कोई वर्ड पिक कर लेते हैं और थोड़ी दिनों बाद आप सोचते हैं कि अच्छा ये मैं लव कैसे बोल रही हूँ ये मेरी लैंग्वेज में कहा से वर्ड आ गया तो वो वर्ड आपने किसी की कंपनी में रहने से किसी को रोल मॉडल करने से किसी को देख के आपने वो कॉपी कर लिया आप कई दफा किसी का कोई जेस्टर सीख लेते हैं तो रोल मॉडलिंग जो है वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है जिसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं कि बच्चे ऑब्जर्वेशन से और आंखों से ज्यादा सीखते हैं इंस्टेड ऑफ इयर्स कान उनके सुन रहे हैं डेफिनेटली वो भी असर होता है लेकिन उनकी आंखें जो है वो ज्यादा सीख रही हैं तो इसलिए हमें इनशाला एक अच्छा रोल मॉडल भी बनना है फिर उसके बाद रिस्पेक्ट कुरान में देखें ये तो हम सबको अपने राइट्स के बारे में पता होता है कि अल्लाह सुबहाना कह रहे हैं कि वह कबा और अबू का अल्लाह तब अल्लाह वह वा बिल वाली एहसाना कि अल्लाह तला ने तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया कि उसके अलावा किसी की इबादत ना करो सिर्फ उसी की इबादत करो और वाले के साथ एहसान करो तो ये चीज़ तो हम सबको पता है लेकिन आप ये देखें और ये भी पता है कि वालिद के ग़ुस्से में जो है वो अल्लाह तला की नाराज़गी है इस तरह की अहदीस हमें बहुत ज़्यादा याद होती हैं और हम बहुत ज़्यादा बार बार कोर्ट भी करते हैं अब हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी औलाद हमारी रिस्पेक्ट करे और हम हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे हमसे रिस्पेक्टफुल हों वो बदतमीजी से ना बोलें उसके लिए मैं आपको एक जरूर अपने आप को भी देखिए ये सारी बातें जो मैं कर रही हूँ ये मैं अपने आप को भी मॉम ऑफ थ्री चिल्ड्रन डेफिनेटली मैं अपने आप को भी ये बातें सुना रही हूँ दिस इज अ रिमाइंडर सेशन फॉर माई सेल्फ एज वेल कि हम सब जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी औलाद से हमारी औलाद हमारी रिस्पेक्ट करें तो जस्ट लुक एट द रिलेशनशिप ऑफ विद योर पेरेंट्स हम अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप देखें कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करती हूँ मेरा अपने रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ कैसा है अगेन वो बात ये बहुत स्ट्रोंग आज के हमारी इन शाह इसी पूरी टॉक का जो है वो मैसेज है कि हमारे बच्चे आंखों से ज्यादा सीखते हैं इंस्टेड ऑफ ईयर्स तो आप ये देखें जो कुछ आप अपने पेरेंट्स के साथ जिस तरह बात करते हैं जिस तरह डील करते हैं बच्चे उससे लर्न करते हैं अल्लाह ना करे कि किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है इवन बच्चे वो भी ऑब्जर्व करें कि कैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं मांगते हैं कैसे आप उनका जिक्र करते हैं कैसे आप उनके लिए बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं कैसे आप उनकी तरफ से चैरिटी करें कैसे आप उनके जो किंग ऑफ टाइज हैं यानी उनके रिलेशनशिप्स हैं उनके रिश्ते जैसे कह रहे हैं उनके रिश्तेदारों के साथ आप क्या सलूक करें आप उनके फुलफिल कैसे कर रहे हैं प्रोमिस को कैसे उनके फ्रेंड्स को ऑनर कर रहे हैं आपके अगर आपका कोई अम्मी की या अबू की फ्रेंड या उनका कोई रिश्तेदार आता है आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये चीजें जो है ना बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाने के लिए जरूरी है कि हम अपने पेरेंट्स की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे उससे लर्न कर रहे हैं दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ यू आर रिस्पेक्टिंग योर स्पाउस एक तो पेरेंट्स हो गए और दो ही बच्चों के पास सोर्सेज होते हैं जो बहुत स्ट्रोंग सोर्सेज हैं कि एक आप अपने पेरेंट्स से कैसे डील करते हैं और एक आप अपने स्पाउस से कैसे डील कर रहे हैं कि अगर कई दफा ये लगता है कि आप बच्चों के सामने फॉर एग्जांपल अगर आपके हस्बैंड ने आपको बहुत ज्यादा डांट लिया तो आपको लगेगा कि मेरी पर्सनालिटी बहुत वीक है बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बच्चे तो कहेंगे कि आप हम मामा की भी इंसल्ट कर सकते हैं तो दैट इज रॉन्ग आप देखें कि बच्चे कभी ये चीज नहीं सीखेंगे बच्चे आपका एटीट्यूड देखेंगे कि हाउ यू आर डीलिंग द एंगर आप एंगर को कैसे डील कर रही है आपको आपको किसी ने गुस्से में शाउट किया बदतमीजी की नाउ अब वो मदर की तरफ देखते हैं कि हाउ शी इज रिएक्टिंग हाउ शी इज डीलिंग विद एंगर वो एक बुरे मूड के साथ और एक बुरे रवैये के साथ वो कैसे डील कर रही है तो इसलिए जो है ना वो हमारे जो स्पाउस के साथ है देखें एक स्पाउस हम खुद है और एक हमारा जाहिर है डेफिनेटली हमारा पार्टनर दूसरा है हम अपने अमल के लिए और अपने अखलाक के लिए रिस्पांसिबल हैं बहुत जरूरी है बच्चों की जब भी हम बात करते हैं तरबियत की तो बच्चों की तरबियत शुरू कब होती है वाइल चूजिंग अ लाइफ पार्टनर जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं उस वक्त आपके दिमाग में क्या होता है या आपके पेरेंट्स के दिमाग में वहीं से औलाद की तरबियत शुरू हो जाती है आपके लिए प्रायोरिटी जो है वो हुसन था खूबसूरती थी आपके लिए प्रायोरिटी पैसा था मालो दौलत था कि मेरा ऐसा करो इतना बैंक बैलेंस हो फला मुल्क में मेरा हस्बैंड सेटल हो या आपके पेरेंट्स के माइंड में क्या था वो चीजें वहीं से शुरू हो गई फिर जब मदर कंसीव करती है तो बच्चा प्रेगनेंसी में माँ के पेट के अंदर बहुत सारी चीजें लर्न कर रहा होता है बल्कि इवन फ्रॉइड जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो तो कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की एक किस्म की पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाती है जिसको अभी न्यू रिसर्चेस या न्यू साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं या जिसे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कह रहे हैं वो डिनाई करती हैं और वो ये कहते हैं कि इस तरह तो फिर बंदा अपने आप को पॉजिटिवली चेंज नहीं कर सकता लेकिन आप देखिए बैकबोन ऑफ जो लाइफ है ना वो अर्ली फाइव ईयर्स है अर्ली फाइव ईयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली इंसान अपनी पर, अपनी आते अपनी चीज़ें बहुत एफर्ट के साथ और मेहनत के साथ चेंज कर सकता है इसमें इंसान को अपसेट या मायूस नहीं होना चाहिए कि ओ माई गॉड अब तो मैंने बहुत मेसअप कर दिया या अब मैं अपने आप को कैसे चेंज करूँगी तो इस परेशान होने की जरूरत नहीं है हर इंसान के अंदर अल्लाह खैर और शर दोनों रखे और पोटेंशियल भी रखा है जब तक हम जिंदा हैं आज आप देखें जैसे वो एक आ, आ, वर्डिंग्स है ना किसी का कॉल है कि आज अमल है हिसाब नहीं है जैसे हमारी आंखें बंद होंगी तो हिसाब शुरू हो जाएगा और अमल का दरवाजा बंद हो जाएगा तो जब तक अल्लाह ताला ने हमें अमल की मोहलत दी है तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कैपेसिटी रखी है टू चेंज हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और उसके लिए सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है तो इनशाला इन शाह जब हम अपने आप पे मेहनत करेंगे ग्रूमिंग करेंगे तो नेचुरली हमारे बच्चे भी इनशाला ग्रूम्ड होंगे हमने किस सोच के साथ अपने आप को ग्रूम करना है कि इनशाला हमने अपने बच्चों को भी ग्रूम करना है और ये बच्चे इनशाला हमारे लिए फिर सदका जारिया भी बनेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगला पॉइंट है वो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है बच्चों से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि उनको ओवरलोड कर देना कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 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 फ्रॉम यू मैं तुमसे ये 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 उम्मीद करती हूं या बच्चा अगर जरा सी कोई गलती कर दे तो हम कहते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और हम से जो है ना वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में देख रही थी कि कि उसमें था कि जो बहुत हाई लेवल्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना या बहुत लो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन भी वो इंसान के जो बच्चों के अंदर है ना वो स्ट्रगल मोटिवेशन और उनका मोराल जो है ना वो अप एंड डाउन करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है अगर आप बहुत अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे बच्चों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे तो बच्चों का उससे मुराल आप नहीं होता हम ये सोचते हैं कि बहुत हाई मसन फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपेक्टेशन लगा दी तो अब बच्चे जो है वो उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हो और वो प्रैक्टिकल हो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि हम बच्चों को हाई अचीव हायर जो गोल्स हैं उनकी तरफ ना लेके जाए डेफिनेटली लेके जाए लेकिन उसमें साथ साथ जो है हम ये माइंड में रखें कि दे आर ह्यूम्स रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हो हमेशा ये सोचें कि मैं इस एज में क्या थी मेरे दिल में ये फीलिंग क्या आती थी जब कोई मुझसे ये एक्सपेक्ट करता था किसी भी चीज के ऊपर तो इसलिए कई दफा जो बच्चे कोई खुदा ना खास्ता अगर गुना नहीं करे कोई सिन नहीं करे और छोटी मोटी गलतियां करें बच्चों से ग्लास टूट जाते हैं बच्चों से वो होमवर्क Uh, उनका मैसअप हो जाता है या बच्चे फेल हो जाते हैं खुदा ना खास्ता कहीं लो ग्रेड्स आ जाते हैं तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कभी कभार आई एम नॉट ऑलवेज बट कभी कभार उनको ओवर लुक जो है वो कर देना बेहतर होता है यानी आप उनको ओवर लुक भी कर दें यानी उनको ऐसा ना करें कि बच्चे जो है वो बिल्कुल ही मायूस होके बैठ जाएं कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते तो इसलिए जो है ना ये बहुत जरूरी है बच्चों से जेनुअन एक्सपेक्टेशन लगाना और उनकी छोटी छोटी गलतियां जो कि बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है उस पर बच्चों को फर्गिव कर देना माफ कर देना ओवर लुक कर देना इसमें मैं आपको एक जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि एक साइकोलॉजी में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट होता है उसमें होता है कि अगर अपने बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम किया है कोई अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है तो उसके लिए एक पॉजिटिव री होती है एक नेगेटिव री होती है और एक पनिशमेंट होती है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इट इन्वॉल्व एडिंग समथिंग फॉर एग्जाम्पल प्लेजेंट कोई चीज प्लेजेंट आप इन, आ, जो है वो एड करें टू इंक्रीज अ बिहेवियर आप चाहते हैं कि आपने किसी बिहेवियर को शेप करना है आपने किसी बिहेवियर को इंक्रीज करना है तो उसमें आप कोई अच्छी प्लेजेंट चीज एड करें उसका क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल गिविंग अ ट्रीट टू योर चाइल्ड और उसको कोई गिफ्ट देना स्माइल देना तारीफ करना अप्रिशिएट करना प्रेस करना ये सारी चीजें पॉजिटिव री में आती हैं जरूरी नहीं है कोई हर दफा आप महंगे महंगे फिजिकल गिफ्ट्स ही लेके बच्चों को दे रहे हैं जिससे बच्चे खुश होंगे कई दफा आपका टाइम आपकी अटेंशन आपकी स्माइल और बच्चे को अप्रिशिएट करना आपके वर्ड्स ये भी बच्चों के लिए पॉजिटिव री होती है एक नेगेटिव इन री होती है जो कि इट इन्वॉल्व रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट टू तो इंक्रीज अ बिहेवियर अब इससे भी बिहेवियर जो है वो नेगेटिव री से भी इंक्रीज ही होता है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अनप्लेजेंट चीज जो है वो बच्चे से दूर कर दी एक जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आसान लफ्जों में आपको ये कहूंगी कि आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द था और आपने पेनाडोल खाई अब वो पेनाडोल बजाते खुद कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी बट उसने आपको रिलीफ दे दिया तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो री हैं वो बहुत पावरफुल टूल्स हैं किसी भी बिहेवियर को शेप करने के लिए लेकिन जो पनिशमेंट है पनिशमेंट में आप याद रखें पनिश का मत पनिशमेंट का मतलब फिजिकल बीटिंग नहीं है पनिशमेंट में आप कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टाइम आउट है चाइल्ड को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है जब वो छोटे स्पेशली बच्चे और वो अटेंशन लेने के लिए बदतमीजी कर करे और आपने उसको चुप कराने के लिए टैब दे दिया माए कहती हैं अच्छा घर में गेस्ट आए हुए हैं चलो ठीक है इसको मोबाइल फोन पकड़ा दो इसको कोई चीज दे दो ताकि एटलीस्ट फिलहाल ये चुप हो जाए तो वहां से बच्चा वो बिहेवियर लर्न कर लेता है कि जब मैं शाउट करूंगा जब मैं चीखें मारूंगा तो मेरी मामा मुझे ये चीज दे देंगी तो ये बच्चे ने एक बिहेवियर सीख लिया कि जब भी मेरा बुरा बिहेवियर चीखूंगा स्क्रीन करूंगा तो अम्मी दूसरे बहन भाई को एक लगा देंगी या मुझे वो चीज दे देंगी तो इसलिए इस चीज़ में इग्नोरेंस जो है वो बहुत जरूरी होती है कि आप कहें कि आई एम नॉट लिसनिंग टू यू स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जब तक आप स्क्रीन का रहे उसके अलावा क्या हो सकती है कि आप पनिशमेंट क्या हो सकती है आप बच्चे से कोई दो बच्चे किसी चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं तो आप दोनों से वो चीज़ ले लें ठीक है और इसके अलावा ये भी कुछ पेरेंट्स ऐसी भी पनिशमेंट देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल घर के इतने इतने काम थे इसमें से ये मेरे काम था ड्यूटी लेकिन अब ये काम आपने करना है ठीक है एज अ पनिशमेंट इस तरह की छोटी छोटी पनिशमेंट्स भी दी जा सकती हैं बच्चों का बिहेवियर शेप करने के लिए लेकिन एक बात याद रखें जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेट करते हैं उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है सब कुछ जो है ना वो एवरीथिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन अप्लाइड कंसिस्टेंटली जब उसके अंदर कंसिस्टेंट सी नहीं होगी ना तो बच्चे देखेंगे कि माँ तो एक दिन ये कहती है अगले दिन वो कुछ और कहती है उससे अगले दिन वो अपना रूल खुद ही ब्रेक कर देती है और वो खुद ही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में कहना कुछ और है करना कुछ और है कई दफा प्रॉमिस कर देती हैं मदर्स और वो वो उनको गिफ्ट नहीं देती तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग इवन एक दफा आपके पास एक औरत को आपसे सलाम ने देखा कि उसके हाथ में कुछ था और उसने बच्चे को बुला के कहा तो आपसे सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारे हाथ में सचमुच कुछ ना आता तो ये भी झूठ में आता है कई दफ़ा आप कहते हैं बच्चे को सिर्फ प्यार हासिल करने के लिए अटेंशन लेने के लिए इस तरह बच्चों से फॉल्स झूठे प्रोमिस कर लेना कि मैं तुम्हें ये दूंगी और उसके बाद जो है वो परेशान हो जाना कि अब मैं ये चीज़ पूरी कैसे करूंगी तो इसलिए जो है ना वो रीजनेबल और Uh, सच्चे जैसे कह रहे हैं कि अपने प्रोमिस रखना और उनपे कंसिस्टेंट रहना कि अगर एक बिहेवियर है जो फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो आज एक्सेप्टेबल है और कल वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा वो फिर अच्छा बिहेवियर नहीं है तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है यानी किसी के गेस्ट के आने पर या चीखे मारने पर वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं हो गया अनस बिन मालिक मालिक रिपोर्टेड आई आई सर्व द प्रॉफिट सल अला फॉर टेन ईयर्स मैंने दस साल रसूल सलम की खदमत की बाई अल्लाह ही नेवर इवन सेट टू मी उफ उफ का वर्ड आता है कि रसुल्ला ने मुझे कभी उफ तक का वर्ड नहीं कहा नेवर सेड हार्शली वेन डिड यू डू दैट और वाई और वेन डिड यू डू नॉट दैट ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि रसुल्ला की दस साल मैंने मैं खदमत में रहा लेकिन रसुल्लैसम ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया ऐसे क्यों किया और ऐसे क्यों नहीं किया बल्कि आप खामोशी से एक दफा हजरतनस का ही वाक वो कहीं कुछ लेने भेजा और वह बच्चों का खेल देखने लग गए तो आपने प्यार से आके उनके कंधे पे ऐसे हाथ रखा और स्मायल दे रहे थे रसुल्ला और हमारे बच्चे अगर कोई छोटी सी भी कई दफ़ा ऐसी कोई गलती कर ले तो हम वो कई दफ़ा बड़ी बड़ी गलतियां भी बड़े आराम से टॉलरेट कर लेते हैं और कई दफ़ा कोई छोटी सी बात के हम पीछे पड़ जाते हैं और बच्चों को मुसलसल जिसे कहते हैं ना टीज करते रहते हैं कि तुमने ये काम किया था रिपीटेडली रिपीटेडली उस बात को करते रहेंगे तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि जस्टिस करना बच्चों के दरम्यान में जो है वो जिस तरह एक सहाबी का वाक्य अब्दुल्ला बिन अमर से रिपोर्टेड है रसुल्ला सल्ला वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसकी वाइफ ने उसको इंसिस्ट किया कि तुम अपनी औलाद को ये गिफ्ट देने लगे हो तो अल्लाह को इस पे विटनेस बना लो तो उसने जब रसूल अल्लाह के सामने देने लगा तो सलम ने पूछा कि क्या तुमने अपनी बाकी औलाद को भी यही तोहफा दिया है ये मफूम है हदीस का तो उसने कहा नहीं तो सलम ने कहा कि गलत चीज़ों पर या इस तरह की चीज़ों पर मुझे गवाह मत बनाओ सलम ने इस चीज़ से मना किया तो अब जब भी हम बच्चों को कोई चीज़ देते हैं तो बच्चों के दरमियान में हम कोशिश करें कि हम उनके दरमियान में तफरीक ना करें या उनके दरम्यान में इनजस्टिस ना आपको पता है ये जो इनजस्टिस है ना बच्चों को अच्छा इसमें मैं प्लीज आपको एक चीज क्लियर करती चलूँ कि एक होता है परसीव्ड अनजस्टिस कि बच्चे जो है वो खुद से परसीव करें कि माँ बाप मेरे साथ फेयर नहीं है दूसरा बच्चा दूसरा बहन भाई माँ बाप का बहुत लाडला है बहुत प्यार है मैं तो पता नहीं कहीं से मुझे लगता है मैं तो सुतेला हूं मैं तो एडोप्टेड चाइल्ड हूँ वो इस तरह के जुमले बोलने शुरू कर देते हैं और एक होता है कि अनकॉन्शियसली क्योंकि एक रिसर्च हुई थी उसमें तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ मदर के ऊपर रिसर्च की गई थी और उसमें ये डिग आउट हुआ था ये यूरोप में एक या बाहर कंट्रीज की एक रिसर्च है कि जिसमें आया था कि थाउजेंड में से तकरीबन ऑलमोस्ट सारी मदर जो है उनका एक एक फेवरेट चाइल्ड था तो इसलिए जो ये वाली परसेप्शन है ना बच्चों की कि हमारे दरम्यान में इनजस्टिस होता है अम्मी फलाम बच्चे को ज़्यादा फेवर करती हैं तो आप देखें इस तरह के बच्चे जो है इनके बारे में आता है कि ये ज़्यादा दे आर लाइकली टू यूज़ ड्रग्स अल्कोहल और इनकी लो सेल्फ इस्टीम होती है और ये एनजाइटी डिप्रेशन और ये जो बिम, बिम, इस तरह की दिमागी मस्तें या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं इन बच्चों को वो ज़्यादा होते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को फेयर ट्रीटमेंट दें और उनको डिसिप्लिन करने के लिए ये भी माइंड में रखें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर बच्चे को आपने डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना होता है लेकिन उसमें ये बात बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं तो एक टाइम ऐसा रखें कि जब अकेले आप अपने उस बच्चे के साथ हों ताकि उस बच्चे को अपनी इंपॉर्टेंस फील हो कि फॉर एग्जाम्पल आई एम समथिंग ठीक है जैसे छोटे बच्चे आप देखें फॉर एग्जाम्पल किसी के दो तीन या चार बच्चे और एक बच्चा जो है वो आपका टीन एजर है सेवनटीन एटीन का हो चुका है एक बच्चा बिल्कुल अभी में एंटर हो रहा है उसके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उसको एक डिफरेंट तरीके का फेज आ रहा है एक बिल्कुल छोटा बच्चा है उसकी डिमांड्स डिफरेंट तरीके के उसको आपसे खेलना चाहिए उसको कंपनी चाहिए वो उसको एंजॉय करेगा बड़े बच्चे जो है वो ये चाहते हैं कि आप उनकी बात तवज्जो से सुने हर एज की डिफरेंट डिमांड्स हैं तो सबके साथ एक फैमिली टाइम और उसके अलावा फैमिली टाइम के अलावा जो है ना वो हफ्ते में चाहे एक दिन महीने में एक दिन रखते हैं कि एवरी मंथ जो है वो एक एक बच्चे की टर्न आएगी जिस दिन क्वालिटी टाइम क्वालिटी टाइम जो है ना वो मैं उस बच्चे के साथ रखूंगा चाहे आप हाइकिंग कर रहे हैं कोई गेम खेल रहे हैं कुछ देख रहे हैं कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं तो वो एक अकेला एक्सक्लूसिव बच्चा होगा और वो टर्न बाय टर्न सबकी बारी आए ताकि बच्चों को अकेले एज एन इंडिविजुअल आपसे कम्युनिकेट करने का और खुल के बातें करने का मौका मिले फिर अगला पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को आप देखें कि कई दफ़ा हम सिर्फ फोकस जो है बच्चों की पढ़ाई और ग्रेड्स के ऊपर करते हैं और कहते हैं कि आप पढ़ लो अच्छे ग्रेड्स दें और बाकी कामों की फिक्र छोड़ दो और ये हम क्यों कर रहे होते हैं और हम कहते हैं मैंने तो अपने बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए मैं तो बहुत डेडिकेटेड मदर हूँ मैंने इन लोगों की खातिर सुबह से उठती हूँ रात तक सारे काम करती हूँ सब कुछ करती हूँ लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं हम बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन के लिए करें कि उनके ग्रेड्स अच्छे आ जाएं, वो फोकस करके पढ़ाई करें लेकिन इसके अलावा हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे अब जब कई दफ़ा बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं और वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और वो एकदम से उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं और वो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होती हैं तो वो इस काबिल ही नहीं होते इवन और के बारे में भी क्या होगा मैं कुरान में कि जब तुम उनमें रोश देखो मेच्योरिटी देखो कॉम्पिटेंस देखो उसको आजमाइश करो तो उनका माल उनके हवाले कर दो ये नहीं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सकते अभी तो मैं इनको पॉकेट मनी नहीं दे सकती अभी तो मैं इनको ये नहीं कर सकती उसका बेस्ट तरीका यह कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए या बिल्ड करने के लिए उनको छोटे छोटे टास्क देने शुरू कर दें काम करें और उसके बाद इंटरफेयर ना करें लेट देम डू उनको वो काम करने दें जब आप बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो बच्चे वो काम करेंगे अगर आप हर काम अपने हाथ से करेंगे और कहेंगे कि बच्चे मैं सब कर देंगे मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा तो बच्चे कभी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और वो सीखेंगे भी नहीं तो बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डालें बच्चों जो काम करते हैं उनको अपने डिसीजन लेने दें छोटे मोटे डिसीजन उनसे करवाएं और इवन फैमिली में भी अगर आपने अपनी फॉर एग्जांपल कोई घर चेंज करना है स्कूल चेंज करना है अपनी कोई छोटी अपनी पर्सनल बातें तो बच्चों को उसमें शामिल कर ले हाउस होल्ड में उनको बुला ले अब देखें इतना बड़ा डिसीजन था और वसल्लम ने क्या किया कि उनको उस उनके बारे में आता है कि अली रजियला और, और साहबी जो है वो इस वक्त सिर्फ ट्वेल्थ ट्व, थर्टीन ईयर के थे उनके बारे में आता है कि वो अः रसूल सलम के साथ थे तो आप ने उनसे भी मशरा किया और इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमें इब्राहिम की मिलती है और की कि इस्मा सिर्फ बारह तेरह साल के थे वो जस्ट ट्वेल्व थर्टीन ईयर्स ओल्ड जब कुरान में क्या आता है कि जब वो अपने उनको जबा करने का कुरान में हुक्म आया तो उन्होंने क्या इब्राहिम ने इसमा सलाम से कहा था फ़न्ज और माजा तरा यानी इसमें आप बताएं कि आपका आप क्या समझते हैं इस बात को तो यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से आप समझ ला एक वाही थी रेवलेशन थी लेकिन ये नहीं कहा कि ये तो बेटा अल्लाह का हुक्म है ये तुम्हें तो हर हाल में करा करना पड़ेगा और बस लेट जाओ और अब मैं तुम्हारे गले पे छुरी फेर दूंगा जबकि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा इसमें क्या तुम्हारी क्या राय है इस बारे में व्हाट यू से तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह आपसे ने भी हज़रत अली और हजरत उसामा बिन जैद से मशवरा किया इब्राहिम ने किया हम अपने बच्चों को छोटे छोटे करें अगली चीज में बहुत प्यार डो नॉट रेज योर चिल्ड्रेन द वे योर पेरेंट्स रेज यू दे बॉन्ड फॉर अ डिफरेंट टाइम आप अपने बच्चों की तरबियत वैसे मत करें जैसे आपके पेरेंट्स ने की क्योंकि ये मुख्तलिफ वक्त के ऊपर पैदा हुए हैं ये इतना गोल्डन उसूल है कि हम माइंड में ज्यादा कहें देखिए एक बात है कि जो अच्छी चीजें हैं जो आपकी तरबियत में आई हैं वो जरूर आप अपने बच्चों में डालें इसके बारे में आता है कि अनकॉन्शियसली इंसान के माइंड में एक ब्लू प्रिंट बनता है और वो वही काम बड़ी एज में जाके आप कई दफा सोचते होंगे नहीं मेरी अम्मी बहुत सख्त थी मैं तो अपने बच्चों के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग हूं कहीं ना कहीं जो आपकी अम्मी आपके साथ करती थी ना आपको पता भी नहीं चलता होगा वही आप अपने बच्चों के साथ कर रहे होंगे तो ये वो ब्लू होते हैं जो आप कई दफा हेल्पलेस होते हैं वो आपके सब या अनकॉन्शियस में होते हैं और आप अपने बच्चों के साथ वही सलूक कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता और बड़ी अक्सर खातन जब हो जाती हैं तो वो बहुत वैसी उनकी आदत हो जाती है जैसे उनकी मदर्स की थी लेकिन आप ये याद रखें कि वो जो अच्छी बातें कंटिन्यू विद डैम लेकिन जो बुरी आदात हैं या जो उस जमाने का आप एक्सपेक्ट करें कि हमारे जमाने में तो गैजेट्स नहीं थे आजकल के बच्चे बहुत डिमांडिंग हैं आजकल के तो बच्चे मुझसे फला गेम्स मांगते हैं प्लेस्टेशन मांग रहे हैं मुझसे स्नीकर्स मांग रहे हैं मुझसे हाई डिमांड कर रहे हैं चीजों की तो आ, वो वक्त और आज के दौर में हमें थोड़ा सा फ्लेक्सीबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी अपनानी पड़ती है क्योंकि आप देखें कि उस वक्त उस तरह टेक्नोलॉजी कंप्यूटर स्मार्ट डिवाइसिस सोशल मीडिया का ऐसा एक्सपोजर नहीं था अब आप बच्चे थोड़े से सेंसिबल होते हैं बात करनी पड़ती है अगर आप ये बच्चे आप उनसे नहीं करेंगे, तो आप देखें कि फिर वो जाएंगे वो बच्चे किससे पूछेंगे और किससे सीखेंगे तो अगर आप शर्माते ही और आप सोचें कि नहीं कोई और आके इन्हें बता देगा तो ये बात बहुत गलत है अपने बच्चों के लिए आप विलिंग हो मुख्तलिफ ऑप्शन एक्सप्लोर करें टॉक टू दैम ट्रीट दम एज एन इंडिविजुअल उनको जब वो बड़े हो जाए तो उनको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें कि वो रिस्पॉन्सिबल है मैं उनसे बात करूंगी जो तो बहुत छोटे बच्चे हैं और बड़े भी हैं सबको लव एंड इफेक्शन चाहिए लेकिन साथ साथ आपने उनको आपके अंदर अडेप्टबिलिटी हो कि आप उनको ये सारी चीज़ें भी सिखाएंगे फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फ्रेंडशिप और कंपनी है कि हम अक्सर ये समझते हैं इसके बारे में एक रिसर्च भी हुई थी कि एक सिंड्रोम होता है जिसको मैं एक एक्स्ट्रा सॉरी इसमें ऐड बात कर रही हूँ कि जिसको एम्पटी नेस्ट सेंड्रोम कहते हैं और वो क्या होता है कि जब आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाते हैं और माँ बाप फिर अकेले रह जाते हैं तो उन मदर्स के ऊपर रिसर्च हुई थी उनके अंदर ज्यादा जो है एम्पटी खालीपन का एहसास होता है जो ये सोचती है कि बच्चे हमारी एक्सटेंशन है बच्चे हमारी जदाद का हिस्सा है ये बच्चा मेरे साथ ऐसे क्या कर सकता है मैं तो इसकी माँ हूँ लेकिन जो माए ये समझती हैं कि नहीं मेरे बच्चे मेरे ही बच्चे हैं बट दे आर अ लाइव ह्यूमन बींग्स और इनकी अपनी सोच है इनकी अपनी पर्सनैलिटी है ये मेरा पार्ट नहीं है दे आर सेपरेट फ्रॉम मी और वो उनकी प्रोग्रेस पे खुश होती हैं उनको बढ़ता फलता फूलता देख के वो खुश होती हैं तो वो माएँ जो है इस सिंड्रोम का शिकार नहीं होती लेकिन दूसरी माएँ जब कभी अकेली हो जाए या उनके बच्चों की शादियां हो जाए या बच्चे छोड़ दें तो वो बहुत ज्यादा इस सिंड्रोम का शिकार हो जाती हैं और वो अपसेट ज्यादा होती हैं इसलिए ये बात सोचना कि कोई मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों के करीब हो सकता है तो ये हम अपनी सोच जो है इसको खत्म कर दें आप देखिए हम बच्चों के फ्रेंड्स उनकी लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर सकते हम उनको निकाल नहीं सकते बच्चों की लाइफ के ऊपर जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके फ्रेंड्स और उनके पियर्स और उनकी कंपनी का बहुत असर होता है डेफिनेटली मैं आपको ये कहूंगी कि हम हम अपने घरों का ऐसा माहौल बनाएं कि उनको बहुत ज्यादा जब घर से बच्चे को लव इफेक्शन और अटेंशन नहीं मिलती तो डेफिनेटली बच्चा बाहर सीख करता है चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो टीन है लेकिन अगर घर में उसको इतनी सफोकेटेड माहौल नहीं मिल रहा ना उसको थोड़ी बहुत लिबर्टी भी है आजादी भी है, आप उसके साथ मूवी टाइम भी करते हैं आप उसके साथ एंजॉय भी कर अल्लाह की हदूद में रहते हुए उसके साथ फन भी कर और ओपन टॉक है हर तरह की आप उससे डिस्कशन करें कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो आप देखें फिर वो बाहर अटेंशन सीख नहीं करेगा लेकिन स्टिल बच्चों को अच्छे फ्रेंड्स बनाने में जब वो ग्रो अप करें तो जरूर हेल्प करें और उनकी फ्रेंडशिप्स को डिस्करेज मत करें उनकी फ्रेंडशिप्स को इनकरेज करें जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको उनकी फ्रेंडशिप में उन, उनका साथ दें कि ठीक है आप उनसे बातें कर सकते हैं आप उनसे मिल भी सकते हैं उसके बारे में आप देखें कुरान में भी आता है कि अब प्रॉफिट सलम को भी कहा गया कि उनके साथ अपने आप को जोड़ के रखें सब्र के साथ उन लोगों के साथ जुड़े रहें जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं तो ऐसे गुड कंपनी के जो लोग हैं उनको ढूंढे अपने बच्चों के करीब करें और उनसे फ्रेंडशिप होनी चाहिए आपके बच्चों की ताकि बच्चे उनसे भी लर्न करें और प्लस आपकी अपनी भी फ्रेंडशिप अच्छी कम्युनिटी अच्छे पेरेंट्स से होनी चाहिए ताकि आप उन पेरेंट्स से सीख सकें कि वो अपने बच्चों का कैसा का रहे हैं इस कम्युनिटी के अंदर फिर एक चीज़ है कि बच्चों को फेथ जो है वो जरूर सिखाएं और फेथ का मतलब जो है ईमान बच्चों को सिखाना इस्लाम सिखाने से फर्क है इस्लाम सिखाना क्या है कि आपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में फॉर एग्जांपल डाला बच्चों ने कुरान पढ़ा सूरज याद कर ली वजू गसल नमाज का तरीका सिखा दिया मैं इसको कहूंगी कि ये फंक्शनल इस्लामिक एजुकेशन है जो आपके बच्चों को एक चलता फिरता फंक्शनल मुस्लिम बना देगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है अफकोर्स कोर्स है उसको मुसलमान बनाने के लिए लेकिन ये सारा इस्लाम नहीं है बच्चों के अंदर ईमान को लेके आना आप देखें बचपन से बच्चों को आपने मस्जिद में भेज दिया इस्लामिक स्कूल्स में भेज दिया बच्चों ने सीख लिया ये सारी बातें लेकिन जब वो हाई स्कूल में जाएगा वो यूनिवर्सिटी में जाएगा वो फिलॉसफी पढ़ेगा कई दफ़ा कोई नॉन मुस्लिम इन्फ्लुन्शियल किस्म के टीचर्स मिल जाते हैं कंपनी मिल जाती है बच्चे कई दफ़ा ऐसे यूट्यूबर्स को सुनना शुरू कर देते हैं कि जो कि इतनी अजीबो गरीब फलसफे की बातें शुरू कर देते हैं और बच्चे उनसे इंप्रेस होना शुरू कर देते हैं और बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन बचपन से कई दफ़ा उठ रहे होते हैं लेकिन वो मस्जिद में ऐसे सवाल नहीं पूछते क्योंकि इमाम साहब उन बातों को कई दफ़ा एड्रेस ही नहीं कर रहे होते कि वाई डू आई प्रे वाई डू आई वर्शिप अल्लाह मसल मैं अल्लाह की क्यों इबादत करूँ क्या इस्लाम ट्रू रिलीजन है भी या नहीं है और क्या गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता और हाउ डू आई नो के प्रोफिट सलम वॉज अ ट्रूथफुल पर्सन ये सारी बातें उसके दिमाग में आएंगी तो अगर आपने उनको खाली फंक्शनल मुस्लिम बनाया और उनकी इन चीजों को एड्रेस नहीं किया इन क्रिटिकल टॉपिक्स पे आपने उनसे डिस्कशन नहीं किया आपने चैनल ओपन नहीं किया हुआ तो आप देखें कि फिर अस्तफिरल्लाह बहुत चांस होता है कि बच्चे एथियजम की तरफ चले जाएं या दूसरे रिलीजन से जो है वो इम्प्रेस होना शुरू कर दें तो इसके लिए बहुत ज्यादा और बच्चे कन्फ्यूज हो जाए तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए दुआ भी करें एफर्ट भी करें और उनके अंदर ईमान इंकल्केट करने की कोशिश करें इसके बाद यह कि अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना और साथ साथ उनकी तरबियत करना ये जो आखिरी पॉइंट है इसके ऊपर मैं एक हदीस के साथ जो है वो इन शाह को वाइंड अप करेंगे जो हमारी हदीस है वो बहुत खूबसूरत हदीस है

आप रसूल का वे ऑफ कम्युनिकेशन देखें और जो बातें सिखा रहे हैं जिस तरह टीच कर रहे हैं उसको हम जरा देखें। वर्ड्स ऑफ अल्लाह एंड यू अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू बी अल्लाह एंड यू फाइंड हिम इन फ्रंट ऑफ यू यानी तुम अल्लाह का तकवा करो माइंडफुलनेस हो तुम्हारे अंदर अल्लाह की अल्लाह ताला, ताला तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा और तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे पहला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखें जब बच्चे आहिस्ता आहिता ग्रो करते हैं ना तो वो लोगों की अप्रूवल चाहते हैं अपने क्लास फेलोज की अपने पीयर्स की इर्द गिर्द में सोसाइटी में ना अपने आप को कूल वो चाहते हैं कि हम लगें और हमें लोग एक्सेप्ट करें तो वो लोगों की एक्सेप्टेंस की खातिर कई दफ़ा इतने अजीबो गरीब काम करते हैं कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज के बच्चे को अल्लाह से कनेक्ट करना कि देखो बेटा यहाँ पे माँ मा है बाप है तुम्हें देख रहे हैं नहीं देख रहे बच्चों की डुअल पर्सनैलिटी हिपोक्रेसी बच्चों के अंदर ना आए मुनाफ्त ना आए कि बच्चे आपके सामने बहुत अच्छे इस्लामिक सेंटर में दुबट्टा लेके जा रहे हैं अच्छे बने और आपको ये टेंशन खा गई है कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी में मेरी बदनामी ना हो देखो उनके सामने कोई ऐसी बात ना करना और दूसरी तरफ बच्चे जो है वो कुछ और ही दुनिया उन्होंने आबाद की हुई है सोशल मीडिया पर उनका एक अपनी ही दुनिया है नहीं उसमें क्या है कि आप बच्चों को अल्लाह से कनेक्ट करें कि माइंडफुलनेस हो अल्लाह के लिए कि मैं नहीं होंगी आपके टीचर नहीं है आपका कोई फ्रेंड नहीं है मुस्लिम बट अल्लाह इज विद यू अल्लाह आपको देख रहा है, वो आपके साथ है हमने जो कुछ करना है ना वो अल्लाह के लिए करना है इफ यू एस्क देन एस्क अलोन फ्राम अल्लाह इफ़ यू सीक हेल्प दें सीक हेल्प फ्राम अल्लाह अलोन अगर तुम्हें मदद चाहिए छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों को कहें कि डिसीजन नहीं हो रहा द्वास्तखारा पढ़ो हमने इस्तखारे को इतना लिमिटेड कर लिया हम समझते हैं इस्तारे का मतलब है किसी की शादी होगी बिजनेस होगी हम तभी द्वास्तखारा पढ़ेंगे इस्तारा का रूट खैर से और खैर का मतलब होता है अल्लाह से कोई भलाई तलब करना उसमें रात का सोना उसमें ख्वाब का आना जरूरी नहीं है जब भी किसी डिसीजन में स्टिक हो जाए स्टक हो जाए आप सॉरी तो आप दुआ इस्तखारा पढ़ें और आप देखें उसके बाद उस काम को छोड़ दें उसके लिए ख्वाब भी नहीं आना अगर आ जाए तो अच्छी बात है नहीं ख्वाब आता तो अल्लाह ताला उस काम में आपके लिए खुद ब खुद भलाई पैदा कर देंगे और वो काम आपके लिए इजी हो जाएगा और अगर उसमें कोई रुकावट आ गई तो आप ये सोचेंगे कि ये अल्लाह की तरफ से रुकावट हो गई एंड नो दैट इफ द नेशन वर टू गैदर टू बेनिफिट यू विद एनी थिंग दे वुड नॉट बेनिफिट यू एक्सेप्ट विद वॉट अल्लाह हैड ऑलरेडी प्रिस्क्राइब फॉर यू And if they were together to harm you with anything, they would not harm you except with what Allah had already prescribed against you. The pens have been lifted and the pages have dried. Yani, agar koi puri dunya milke tumhe fada dena chahiye aur Allah na dena chahiye, to koi faida nahi de sakta. Aur puri dunya milke nuksan dena chahiye aur Allah na तो कोई तुम्हें तो नुकसान नहीं दे सकता ये जो एक्सट्रीम लोगों का फियर है लोगों का खौफ है कि कोई अगर मैंने ये किया तो मैं लोगों की नजर में आउटडेटेड हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो रसूल अल्लाह उसको स्ट्रेंथन उस यंग बॉय को रहे हैं कि कोई तुम्हें तो नुकसान नहीं दे सकता लोगों से डरना छोड़ दो लोगों की खातिर अच्छा या बुरा बनना छोड़ दें बच्चों को ये अंदर क्योंकि हम अक्सर यही बातें माएँ कर रही होती है ना तो बच्चे वो सीख रहे होते हैं कि फला हमारे घर में आएगा तो उसके सामने बस जीना करना तो आप देखें कि इतनी प्यारी ये एजुकेशन है कि जो काम हो वो अल्लाह की खातिर हो कोई हमें फायदा या नुकसान नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे तो हालांकि वो सिर्फ ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड बॉय हैं और हम अल्लाह के साथ बच्चों को समझते हैं सिर्फ नमाज के जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं जबकि ये छोटे छोटे ओकेजन हैं जिनके जरिए जो है हम बच्चों को अल्लाह तला से कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों को छोटे छोटे मैनर सिखा के बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उनके लिए सिंसियर दुआ करके और बच्चों को अल्लाह के साथ जोड़ के क्योंकि कई दफा हम सोचते हैं कि अगर मैंने अपने आप से बच्चों को दूर कर लिया तो बच्चे जो हैं वो मेरे उस तरह से ओबीडियंट नहीं रहेंगे तो हमारा मकसद जो है वो अपने आप से जोड़ना नहीं है हमारा मकसद अल्लाह ताला से अल्लाह के साथ बच्चों को जोड़ना है और कसरत से पेरेंटिंग के लिए इन सब चीजों के लिए क्योंकि पेरेंटिंग देखिए डिफिकल्ट टास्क है एक थका देने वाला अमल है लेकिन हमेशा अपने आप को ये रिमाइंड कराएं कि, कि कितना रिवॉर्डेबल है कितना सवाब का काम है जो आपको पता है माए बच्चों को प्रेगनेंसी से लेके बड़े करने तक उनकी जो तकलीफें बर्दाश्त करती हैं उन सब पे एवरी स्टेप के ऊपर रिवॉर्ड है हर चीज़ पर सोचे मुझे इस पर स्वाब मिलेगा मैं बच्चे की तकलीफ के ऊपर सबर कर रही हूँ वो मुझसे बदतमीजी कर करें मैं उसको आराम से डील कर रही हूँ इन उस पर भी रिवॉर्ड है मैं बच्चे को ये चीज़ सिखा रही हूँ और बच्चे को नहीं आ रही बच्चे को इस टाइम मेरी बात समझ नहीं आ रही तो उस पर भी रिवॉर्ड है इन सब स्ट्रगल इन सब चीज़ों के बारे में सोचा करें मैं रब की निगाहों में हूँ अल्लाह इज़ वॉचिंग मी अल्लाह मुझे देख रहे हैं और अल्लाह मुझे ऐसे इन जरूर इसका रिवॉर्ड देंगे बच्चे मेरे अल्लाह की तरफ टर्न उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हम कई दफा समझते हैं कि हमने बच्चों को बात कह दी और बच्चों ने नहीं सुनी या बच्चे इस पे अमल नहीं कर रहे तो एक बात देखें कि बच्चे को जब आप कोई बात सिखाते हैं या समझाते हैं तो वो स्टोर हो जाती है एक स्कॉलर से किसी ने कहा कि मैं तो बच्चों को इतनी चीजें सिखा रहा समझा रहा हूँ और बताता भी हूँ लेकिन बच्चों का कोई अमल में उसका असर नजर ही नहीं आता तो उन्होंने कहा कि ठीक है यहां से ये खजूर उठाओ और ये खाओ उस बंदे ने वो खजूर खा ली उन्होंने कहा कि कहां गई खजूर उसने कहा कि वो तो मेरे पेट में चलेगी तो उन्होंने कहा कुछ हिस्सा तुम्हारे खून में चला गया को तुम्हारे अंदर चला गया तुम्हारी बॉडी का वो पार्ट बन गया उसने तुम्हें नरिशमेंट दे दी वो तुम्हें नजर नहीं आ रही लेकिन उसका असर तुम्हारे अंदर चला गया वो एक्चुअली चली गई तुम्हारे अंदर तो इसी तरह जो हम अच्छी बातें बच्चों को सिखाते हैं बताते हैं या हम उनके लिए रोल मॉडलिंग करते हैं हम उनके सामने खुद अच्छे और सच्चे मुसलमान बनने की जो एफर्ट कर रहे होते हैं बच्चे वो सारी चीजें देख रहे हैं कई दफ़ा माए सोचती हैं अच्छा मैं बैठ के कुरान पढ़ी हूँ तो इससे बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा कई दफ़ा बच्चे अपनी माँ को भी ये देख रहे होते हैं कि वो इतनी पंक्चुअलिटी से हर चीज में बाहर जाती है वो अपनी गाड़ी में जाय नमाज रख रही है वो नमाज पढ़ती है टाइम पे जब भी आ जाता है वो दूसरों के साथ डील करने में कैसे कर रही है शी इज फेयर वो झूठ नहीं बोलती वो ये सारे काम नहीं करती वो एक अच्छी मॉम है और वो अल्लाह ताला को कोई ऐसे हराम चीजों में पढ़ना उसको अच्छा नहीं लगता वो चीजें अनकॉन्शियसली नोट कार्य होते हैं, उनके माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं, जिसका एक फिलोसफर ने कहा था ना कि बच्चों का माइंड जो है वो इट्स लाइक अ तबूला रास्ता उसने एक टर्म बोली थी जिसका मतलब होता है इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट तो वो चीज़ें बच्चों के इनशा माइंड में रजिस्टर होती रहती है और सबसे इंपॉर्टेंट है हम अल्लाह से दुआ करें कि पेरेंटिंग में अल्ला आरिनल हक आक कर्जुक व आरीनल बात बातिला वर्जुक नजतिनाबा के अल्लाह में हक को हक करके दिखा उस पर अमल करने की तोफीक दे और बािल्स को बातिल करके दिखा और उससे बचने की तोफ़ी दे जजाक़्ला खैरन कसीरा आई एम सॉरी आई थिंक टाइम थ्री ओ क्लाक था और हमने थ्री सिक्सटीन मिनट जो हैं वो हमारे थोड़े से ऊपर हो गए जजाक उमल ख़ैरन कसीरन कसीरा अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तोफ़ी दे और अल्लाह ताला हर वो अमल हमसे करवाए कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए और हमारे बच्चे और हम सिराते मुस्तकीम पर चलें और हम बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल्स बने ताकि बच्चे हमें फॉलो कर सकें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वरक जज़ाकल्लाह बहुत ही जबरदस्त और बड़े दिलचस्प अंदाज से आपने जो है वो बताया और आ, मैं ये चाहूंगी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो हैंड रेज करके या फिर अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकता है तो जी श्योर खैरन कसीरा क्या आपने अपॉर्चुनिटी दी अल्लाह ताला जो बातें हमने की अल्लाह ताला में अमल की तोफीक थे अगर कोई किसी ने कोई बात करनी है कोई कमेंट कोई क्वेश्चन है तो आप यू आर मोर देन वेलकम जी तो हम इस सेशन को इंशाल्लाह फिर कुण... आ अच्छा खदीजा ने पूछना है हदीजा जी जी आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सरतिया क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन मैं कमेंट्स कर दूंगी माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी पूरी इस सेशन से बहुत सी माएं यहां पे हैं और यूरोप में रहते हुए एक छोटा सा इस सारी के अंदर मैंने बहुत अच्छे से इसको अटेंड किया और बाकी लोगों ने भी यन बहुत फायदा उठाया तो हमें जो है ना ये सीरत से भी जुड़ने के बाद मुझे जो एक एहसास हो रहा है कि बिंग मदर जैसे आपने कहा कि बच्चे वॉच कर रहे होते हैं इवन घरों के अंदर माहौल को आपस के ताल्लुक को तो हम लोगों को यहाँ रहते हुए भी थोड़ा सा अपने उसके अंदर ना जरा वास्ट अप्रोच लाने की जरूरत है कि हमारा घर हमारे बच्चे से हट के जिस सोसाइटी में स्पेशली हम रहते हैं हमारा इफ़ेक्टिव होना जो है ना वो और जब सीरत को पढ़ने के बाद हमें ये पता है कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माशरे में दिलचस्पी लेते थे तो वो हमारी माओ को और हम माओं को बहुत एक्टिवली ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ हम हैं हम सोशली एक्टिव और इंटरेक्टिव रहें और ये भी हमारे बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव होगा जैसे आपको बताया आप जिस इदारे से भी खुद भी जुड़ी हुई हैं तो ने कितना शुरू पे भी वो कहते थे कि अपने बच्चों के दोस्तों पे काम करना शुरू किया और किस तरह से एक छोटी सी सोच ने कितने बड़े इदारे को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम मदर्स बस ये कोशिश करें कि हम बड़े एक्टिव और इफ़ेक्टिव हो सोसाइटी के अंदर भी घरों के साथ साथ खैरन कसीरा इसमें मैं ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आ, जब हम भी इवन हमारी आ, आप माशाल्लाह ऑफ जा रहे मेरी भी तीनों बहनें बाहर ही होती हैं और माशाल्लाह वहाँ पे भी मैंने सेशंस उनके साथ किए मुझे ना जो चीज़ फ़ील होती है आपकी बात हंड्रेड परसेंट ठीक है कि हमारे बच्चे आइसोलेशन में ज़िंदगी नहीं गुजारे एक तो ये दूसरी बात है कि बच्चे आउटसाइड जिस वर्ल्ड में जाते हैं उसके बारे में हमें उस कम्युनिटी को अच्छा करना या बिल्ड करना उसके लिए एफर्ट करने के लिए जरूरी है कि हम इंटरेक्टिव हों और हमने ये किया था कि जिस तरह इवन पाकिस्तान में रहते हुए कि हम देखते हैं कि इवनिंग में हमारे बच्चे फुटबॉल हैं क्रिकेट हैं बाहर खेल रहे हैं या जो छोटे हैं वो अपनी तरह के प्ले में गेम खेल रहे हैं तो उस कम्यूनिटी को अप्रोच करके उनके लिए एफर्ट करना और उनके लिए कुछ क्लासेज एक्टिविटी बेस्ड और इस तरह की चीजें करना ऑफकोर्स उसके लिए हमें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है और हम सोचते हैं कि मैं तो सुबह से शाम तक राउंड द क्लॉक एक स्पिन के अंदर भाग रही हूँ लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट होती है ना ये आपकी खाली बच्चों के लिए बेनिफिशियल कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है बल्कि एक्चुअली वो बैक टू योर ओन किड्स वो जरूर आती है बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी अनीसा आंसर जी सलामकुम जजाकल्ला मैं बस आपको कमेंट करना चाह रही थी कि माशाल्लाह बहुत बहुत, बहुत जबरदस्त सेशन था अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे बहुत सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से रिलेट की और एक नए तरीके से समझ आई सीरा के हिसाब से बच्चों की तबीयत से जैसे आपने रिलेट किया जजाक जजाक खैर थैंक यू जजाक हम दुआ पढ़ लेते हैं सुबह अल्लाह हम अभी हम दिखाना शहद अल्लाह अंता मस्तफरू का वनतूबिलईक और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि हम टीन एजर गर्ल्स के लिए एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें अशरा मुबशरा के बारे में उनसे उनको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उनके लाइफ के ऊपर जो है वो कोर्स होगा तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हों आपके घर में कोई टीन एजर बच्ची हो या फिर किसी और के साथ आप शेयर करना चाहें तो आप हमारे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स जो हैं वो सारे कहीं यानी सोशल मीडिया पे जो मैसेज भी शेयर हुआ है अभी फेसबुक इंस्टाग्राम और हर जगह मौजूद है तो आप उसको भी जो है वो देख सकते हैं तो जजाकला अतिया आपका भी और बाकी सबका भी कि वो अपने कीमती वक्त में से उन्होंने वक्त निकाल के इस प्रोग्राम को सुना इंशाल्लाह हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर देंगे जजाकला अल्लाह हाफिज जजाकुम्लाकुम वरहमल वरक वालेकुम असल वरहमल वरक